विश्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। विश्रेष्ठ भारत शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं विश्रेष्ठ भारत शो। शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत तो मिल गई है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने जमानत देते हुए उन पर कई पाबंदियां भी लगाई हैं। पिछले साल 4 अक्टूबर साल 2023 को आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में लागू हुई शराब नीति से हुई आय को वैध बनाने का संजय सिंह पर आरोप है। वही मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें शराब कांड का मुख्य साजिशकर्ता भी करार दिया और इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें पिछले 6 महीने से वो जेल में बंद थे। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि कोर्ट की इस जमानत के बाद केस का ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत के दौरान संजय राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत तो दे दी, लेकिन कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिसमें पहली और सबसे बड़ी शर्त ये है कि वे केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तीसरी शर्त ये है कि संजय सिंह दिल्ली NCR छोड़कर नहीं जाएंगे, और अगर दिल्ली NCR छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी उनको पहले से देनी होगी। चौथी शर्त, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। पांचवी शर्त है कि संजय सिंह की लोकेशन पर नज़र रखी जाएगी, और छठवीं शर्त है कि उन्हें शराब घोटाले में की जा रही जांच में सहयोग करना होगा। संजय सिंह को जमानत मिलने से उनकी पत्नी ने खुशी तो जाहिर की है, साथ ही जेल में बंद अन्य आप नेताओं को भी राहत देने की अपील की है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है, और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्यन जैन जी है, उनको भी जल्दी ही रिलीज करें। जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। संजय जी के ऊपर काले बादल थे जो आज छट गए, खुशी की तो बात है, लेकिन खुशी अभी अधूरी है। ईडी ने लंच के बाद केंद्र सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विरोध करते और कोर्ट जमानत देती जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया। संजय सिंह की जमानत पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। उन्होंने बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां ताल ठोककर मैदान में हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर नेता जोर आजमा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से नामांकन किया, तो इसमें जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने अपने क्षेत्र में रोड शो किया और उनका साथ देने पहुंची बहन प्रियंका गांधी भी। राहुल मौजूदा वक्त में इस सीट से सांसद हैं। उन्हें अपने बीच देखकर लोगों में काफी जोश देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आम लोग हाथ में कांग्रेस का झंडा और तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में वायनाड से राहुल ने करीब 5 लाख वोटों के अंतर के साथ बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वायनाड का मुकाबला राहुल गांधी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इस बार राहुल के खिलाफ CPI के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा उन्हें टक्कर देंगी। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ताल ठोक रहे हैं। ये तीनों कद्दावर नेता हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वायनाड सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। इस चुनावी समर में आज का दिन काफी हलचल भरा रहा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रैली की, तो वहीं
दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में वोट मांगे। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो इसी रास्ते को साफ करने के लिए यूपी में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संभाले हुए हैं। यूपी की 80 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए 10 सीटों पर वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉल के जरिए रैली को संबोधित किया। 10 सीट 22,648 बूथों पर वर्चुअल प्रचार किया। बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी। साथ ही रैली में बूथ समिति के सदस्य और पन्ना प्रभारियों को बूथ जीतने और वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी मंत्र दिया। इन 10 सीटों पर तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव होंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में रैली को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। मुजफ्फरनगर सीट यूपी की बेहद खास सीट है। मुजफ्फरनगर जहां का मुकाबला साल 2013 में हुए दंगों के बाद से बेहद रोचक और सुर्खियों में रहा, इस लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर बेहद दमदार मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी इस बार अपने भरोसेमंद चेहरे और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान पर तीसरी बार भरोसा कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में शुमार हरेंद्र मलिक पर दांव लगाया है। वहीं बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया और मुजफ्फरनगर की इस हॉट सीट से रियल एस्टेट कारोबारी दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है और 19 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में मतदान होगा। बीजेपी अक्सर नेहरू की विदेश नीति की आलोचना करती रही है, खासकर चीन के साथ भारत के संबंध को लेकर बीजेपी नेहरू पर हमलावर रही है। अब ताजा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया है, जहां उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आज हम पहले भारत की बात करते हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा था जब भारत के पीएम ने पहले चीन की बात की थी। विदेश मंत्री ने दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और भारत के कुछ हिस्सों पर चीन के कब्जे जैसी समस्याओं के लिए अतीत की गलतियां ही जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता की पेशकश किए जाने के वक्त प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था भारत बाद में और चीन पहले, यानी कि पहले चीन को सदस्यता मिलनी चाहिए, भारत को बाद में। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है और उसकी सदस्यता से भारत को क्या नफा नुकसान है। तो हम आपको ये बता दें, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है, जिस पर विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों के पालन कराने की जिम्मेदारी होती है। अब आपको बता दें कि यूएनएससी की सदस्यता भारत को क्या फायदा देगी। यूएनएससी में सदस्यता मिलने पर भारत को फायदा ये होगा कि सदस्य बनने पर भारत की ताकत में इजाफा होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी, भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि उभरेगी, पीओके और बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान पर पकड़ मजबूत हो सकती है, देश का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकास भी होगा। ताइवान में 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और इसके झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए। ताइवान में आए भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। 7.5 तीव्रता का भूकंप भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे आया। भूकंप ईस्ट ताइवान के हुलियन शहर में आया। इसका केंद्र धरती से 34 किलोमीटर नीचे था। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इसमें 7 लोगों की मौत हुई और 730 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ताइवान में 100 से ज्यादा
आफ्टरशॉक आए हैं। वहीं ताइवानी सेंट्रल वेदर ब्यूरो के मुताबिक ये ताइवान में 25 साल में आने वाला सबसे तेज तीव्रता वाला भूकंप है। ताइवान में आए भूकंप के बाद ताइवान, जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, तब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो ये थी श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।